हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी 5वीं कक्षा लेसन नंबर 3 योग्य चुनाव। क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ, सेवा मुक्त करना, नौकरी से छुटकारा देना, विनती प्रार्थना, सेवाभावी सेवा की भावना वाला, परोपकारी दूसरों की भलाई करने, हरकारे दूत या डाकिया, ढिंडोरा डुग्गी या मुनादी, चयन चुनाव, चाह इच्छा, कीचड़ चिपकने वाली गिल्ली मिट्टी, उम्मीदवार चुनाव के लिए आए हुए युवक, दृश्य नज़ारा या फिर जिसे देखा जाए, चिंता फिक्र, विनम्रता से नम्रता पूर्वक, कीचड़ से सने, कीचड़ लगे हुए, स्वयं खुद, गुण विशेषताएं या खूबियां, सुयोग लायक, न्याय इंसाफ। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जगत राम ने राजा से स्वयं को डैश करने की विनती की। सेवा मुक्त, व्रत की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे डैश में फंस गया था। कीचड़, भागते दौड़ते कर्मवीर डैश पहुंचा। दरबार, सारे डैश कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। उम्मीदवार, आज से डैश राज्य के नए मंत्री होंगे। कर्मवीर, दिए गए प्रयोगों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। मंत्री जगत राम सेवा मुक्त होने चाहते थे क्योंकि डैश वे अस्वस्थ रहते थे, वे गांव में जाकर रहना चाहते थे, वे बूढ़े हो चुके थे। उत्तर, वे बूढ़े हो चुके थे। नए मंत्री का चयन डैश राजमहल में किया जाना था, खुले मैदान में किया जाना था, दरबार में किया जाना था। उत्तर, दरबार में किया जाना था। कर्मवीर ने विनम्रता से डैश रुपए लेने से मना कर दिया, प्रश्न का उत्तर दिया, अपना परिचय दिया। उत्तर, रुपए लेने से मना कर दिया। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि डैश वह लंगड़ा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, वह बहुत देर से दरबार पहुंचा था। उत्तर, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं डैश राजा मंगलसेन थे, मंत्री जगताराम थे, उम्मीदवार कर्मवीर था, मंत्री जगतराम थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की? उत्तर, मंत्री जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। बैलगाड़ी वाला व्रत कौन था? बैलगाड़ी वाला व्रत स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। कर्मवीर किस परिवार से था?
करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। जगत राम ने क्या आदेश दिया? जगत राम ने राज्य में ढिंडोरा पिटवाने का आदेश दिया। जगत राम ने राजा मंगलसेन से विनती की तो उन्होंने जगत राम को क्या जवाब दिया? राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी परोपकारी ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखो। योग्य चुनाव कहानी में क्या सीख मिलती है? योग्य चुनाव कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद का प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।